हेलो बच्चों, हमने कल पढ़ा कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं प्लांट्स में। अब प्लांट्स अपना खाना किस तरह बनाते हैं? प्लांट जो है अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के माध्यम से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो डायग्राम है वो आप इस टाइम देख रहे हैं लाइव। तो जो लीव्स हैं वो वाटर को या मिनरल्स को कंज्यूम कर, जो स्टेम्स हैं हमारी रूट्स हैं वो वाटर या मिनरल को कंज्यूम करती हैं, और वाटर और मिनरल स्टेम के माध्यम से लीव्स में जाता है, और लीव्स सराउंडिंग के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं, जो कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन में और एनर्जी में। ऑक्सीजन और एनर्जी में जब ये कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें जो कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो मेन पार्ट्स हैं क्लोरोफिल, स्टोमेटा और गार्ड सेल। स्टोमेटा लीव्स में पोर्स होते हैं, उन जो ये पोर्स की ओपनिंग एंड डिस्क्लोजिंग को इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से लीव्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर पाता है, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। गार्ड सेल लीव्स के चारों तरफ सराउंडिंग में लगे होते हैं, जो कि स्टोमेटा को और इनके पोर्स को प्रिवेंट करता है। क्लोरोफिल हमारे जो ग्रीनरी पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। बट क्लोरोफिल इज़ नॉट ओनली द सोर्स, कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल पाता है। कुछ प्लांट्स का कलर पिंकिश होते हैं या येलोइश होते हैं, तो वहाँ भी क्लोरोफिल ही होता है। और प्लांट में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वाटर होता है और सनलाइट होती है। अगर हम अलगई की बात करते हैं तो अलगई में भी क्लोरोफिल होता है, और वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अलगई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे मडी एरिया में मिलता है, जिसे कि हम लोग काई भी बोलते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी वगैरह डिपॉजिट होता है। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजन एंड एनर्जी एंड रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसलिए क्योंकि यही हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और उनको फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। यदि हम लीव की बात करते हैं तो लीव का डायग्राम आप देख रहे होंगे, जैसे कि क्लोरोफिल ये दिखाया गया है। ये जो बड़े बड़े शेप्स हैं ये क्लोरोफिल्स हैं, जो कि ग्रीनरी पार्ट होता है, और ये छोटे छोटे चारों तरफ सराउंडिंग्स हैं, जैसे ये सारा एरिया जो है, ये जो चारों तरफ से लेयर्स डिपॉजिट हैं, इसे हम गार्ड सेल बोलते हैं। एंड जो ये गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, इन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। सो आज के लिए इतना ही।